इफ कंडीशन में हम सबसे पहले आपको स्लैब सिस्टम समझा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ मार्क्स है और मार्क्स के अंदर में अगर 40 से नीचे हुआ तो सी ग्रेड, 40 टू 80 के बीच में हुआ तो बी ग्रेड, 80 टू 100 हुआ तो ए ग्रेड देना है। ठीक चलिए यहाँ पे हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं कि इफ हमने इसको सेलेक्ट किया और बोला अब नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे और यहाँ एंड लगाने की जरूरत नहीं, बहुत सारे लोग इसमें एंड लगाते हैं, एंड की जरूरत नहीं है, हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे स्लैब को लेके। तो ठीक इसमें हम बोलते हैं कि लेस देन अगर 40 है, जो 40 से छोटा है तो यहाँ पे आए सी ग्रेड, ठीक है। है। हो सी ग्रेड आ गया, उसके बाद सॉरी सी ए कर दिया, माफ कीजिएगा, सी ग्रेड आएगा। उसके बाद एक और इफ लगेगा, हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला अगर ये लेस देन इक्वल टू अगर 80 है तो आ जाए कौन सा ग्रेड, बी ग्रेड। और इफ ठीक है अगर ये इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू 40। अच्छा 100 है, 80/100 होगा ना सर, हाँ ठीक ऐसा है तो यहां आ जाए एक ग्रेड, ठीक है, समझो। रिजल्ट आ गया, दिख रहा है सर फॉर्मूला। ठीक है एक मिनट दीजिएगा सर, मैं वाईफाई चेंज कर लेता हूँ। तो ये हमने निकाला, अब इसको एक एक और फॉर्मूला हमारा बोला चैप्टर इसमें सब बुक है कॉपी। इसको मैंने बोला अब यहाँ पे हम एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, इफ्स इफ्स में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला कि लेस देन इक्वल टू 40 है तो आ जाए सी ग्रेड, ठीक है। अब इसमें इफ लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लगाते चले जाए, लेस देन इक्वल टू 80 है तो बी ग्रेड अच्छा और फिर लेस देन इक्वल टू 100 है तो ए ग्रेड, ठीक है। दोनों फॉर्मूला यहां शो हो रहा है, फॉर्मूला टेक्स्ट फॉर्मूला में लगाया हुआ है, देख लीजिए। इसमें आपको बार बार हर ठीक कंडीशन में इफ लगाना पड़ेगा, और इफ फॉर्मूला में आप सिर्फ कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट कंडीशन रिजल्ट देते दे चले जाएंगे और सारा ग्रेडिंग आपको ये निकाल के दे देगा। ओके इसी तरह से मुझे यहाँ इंसेंटिव निकालना है, तो इक्वल हमने यहाँ पे दिया इफ्स, हाँ इससे भी कर सकते हैं, जो फॉर्मूला इससे भी कर सकते हैं, लेकिन नया एक्सेल में हमारा जो है इफ इफ्स आया है तो हम इफ्स यूज करते हैं। लेस देन इक्वल टू 40 है तो 500, फिर सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू आपका 80 है तो है 1000, सर। वो अच्छा टेक्स्ट में दे रहे हो ना। ठीक टेक्स्ट नहीं दे रहा हूँ ना, नंबर दे रहा हूँ, छोटा को लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक लेस देन इक्वल टू अगर यहाँ पे 100 है तो 1500, और हमने बोला कि ग्रेटर देन 100 है तो 2000, ठीक सिलेक्ट किया नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। बैठो है ना, अब चलिए इसी सर। इसी जो अब इसी को एक चीज लेते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है अब जैसे कि यहाँ मेरे पास स्लैब है कि मेरा यूनिट अगर 200 यूनिट हुआ तो 3 रुपये 25 पैसे, 200 से 400 हुआ तो 4 रुपये 15, 400 600 हुआ तो 5 रुपये 30 पैसा,
600 से 1,000 हुआ था 7 रुपये 63 पैसे, और ग्रेटर देन 1,000 हुआ तो 11 रुपये 45 पैसे का बिल आएगा, मैं ठीक कैलकुलेशन होगा है, था। ठीक ऐसा नहीं है कि अब किसी का, अगर मान लीजिए किसी का 1240 बिल आया तो जरूरी नहीं 11 रुपये 45 पैसे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गलत होगा, ठीक है ना। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें स्लैब लेके चलना होगा ये, कि 200 का पहले 325 करेंगे, 650 आएगा, फिर 415 करेंगे, 430 आए, 830 आएगा, फिर 1,080 आएगा, फिर 765 आएगा, इस तरह, ठीक है। तो चलिए यहाँ इफ्स का फॉर्मूला, हालांकि नेस्टेड इफ भी लगाएगा लेकिन हम यहाँ पे इफ्स लगाते हैं, इफ्स इसको सिलेक्ट किया। अगर लेस देन इक्वल टू 200 है तो यहाँ पे क्या हो, कुछ नहीं, जो है उसको मल्टीप्लाई बाय 3.25 से मल्टीप्लाई हो जाए। फिर कंडीशन दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 400 होगा, अगर 400 हुआ तो 200 क्रॉस करेगा, मतलब कि 200 का 650 तो देना ही देना है सर। बिल्कुल फिर इसमें से हम 200 को माइनस करेंगे और फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4.15 कर देंगे, ठीक ठीक है। फिर वापस हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि अगर ए लेस देन इक्वल टू सिक्स हंड्रेड अच्छा हुआ तो यहाँ हम कर देंगे 650 प्लस 830, दो तो आएगा ही बिल्कुल आएगा, प्लस इसमें से 400 माइनस करेंगे और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाय 1.3 5.30 कर देंगे, तीसरा स्लैब। फिर कंडीशन दिया कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 600 के बाद 1000 है ना, 1000, अगर ऐसा हुआ 650 तो देना ही देना है, 830 भी देना है और 1060 भी देना है। फिर जो आए इसमें से नहीं मुझे, सर, ये 800 नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 400 है। ठीक हाँ, माइनस 600, 200 को दिया, फिर 200 को दिया, फिर 400 को दिया, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, दो ठीक है, 300 हो ठीक गया है, ना, 600 माइनस करेंगे, ठीक मल्टीप्लाई बाय है, 763। ठीक है। फिर वापस कंडीशन देते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन 1000 हुआ तो क्या हो, अरे सबको इकट्ठा जोड़ भी दे सकते हैं आप इकट्ठा, या जो लिखती रहा हो सर जोड़ दीजिए, लेकिन मैं यहाँ दिखा रहा था कि अगर पता चले किस किस स्लैब का दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक 52 प्लस ब्रैकेट के अंदर इसमें से माइनस करेंगे 1000 और जो आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1145, लीजिए ठीक आ गया 8340। है। और इसी के तर्ज पे हम इनकम टैक्स को भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स आपको कैलकुलेट करना है, बाकी हमने कर दिया। और यहाँ पे इफ का कंडीशन खत्म होता है, कल हम आपको एक टेस्ट फाइल भेजेंगे वो टेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, ठीक चलिए मिलते हैं कल सेम टाइम।